हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज ये जो वीडियो बना रहा हूं, एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है आप सभी लोग के ज्योग्राफी के प्रिपेरेशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कई सारे वीडियो ज्योग्राफी के लिए बहुत सारे दे दिए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और आप एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से उसको देख के प्रिपेयर भी कर रहे होंगे, चाहे वो एमसीक्यूज के वीडियो हो, चाहे वो फ्लो चार्ट डायग्राम के हो, कोरिलेशन के हो, ऑड मैन आउट के हो, नेम द फॉलोइंग के हो, या फिर मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, या फिर जस्ट इसके पहले हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स और ऑब्जर्व करके उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये सभी चीज के वीडियोज ऑलरेडी बनाए हैं हमारे वीडियो सेक्शन में। आप जाओगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे अगर, तो आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया जो है, ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। मतलब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी रहेगी और आपको बोला रहेगा कि एक मैप लेना है, ग्राफ जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम सेंटर में, कैसा ग्राफ रहेगा वो आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। तो आउटलाइन मैप लेना है इंडिया का और उसको प्रॉपर तरीके से मैप में बनाना है, मैप में इंडिया के मैप में बनाना है, और उसका इंडेक्स भी आपको ड्रॉ करना है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो को। ये बहुत ही एंड तक देख लेना वीडियो, मतलब पूरा ही देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत यूनिक वीडियो होने वाला है, आपके सामने लाइव सब चीजें बताने वाला हो। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस और चैप्टर्स के जो वीडियोस है, जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी का कंसेप्ट समझना चाहते हो, तो हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस जाके देख सकते हो। हमने हर चैप्टर को कंप्लीट किया है, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ा के, ठीक है। और यहाँ पे जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रख लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है। आपका ये आखिरी पेपर है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे, आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या चीजें आपको आने वाली टाइम पे मिलने वाली है। तो ये जगह पे मुझे कनेक्ट रहना, मुझसे बातें कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मुझे टैग कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, कुछ एमसीक्यूज की इन्फॉर्मेशन और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स जो होते हैं वो हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, एक ही क्वेश्चन लेकर आया, जो कि शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया विद इंडेक्स। कोई भी 4 करना है, लेकिन ये 6 का 6 मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एग्जाम में तो कोई भी 4 करना होता है तो 4 मार्क्स के लिए आपको आता है, लेकिन यहाँ पे मैं 6 का 6 बताऊंगा। तो सिक्किम हो गया, नर्मदा रिवर हो गया, या फिर कोल डेजर्ट हो गया, वन हॉर्न राइनासोरस हो गया, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया कौन सा है वो, और मुंबई का मेजर पोर्ट हो गया। ये सभी चीज जो है आपको मैं पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से जो है दोस्तों एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दू सबसे पहले, कि हमारा एक मैप में लेकर आया हूँ, मैप कौन सा है यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ये एक साधारण सा मैप है, जो कि आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप 2 रुपए का या फिर 5 रुपए का मिलता होगा, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये आप जाके ना अपने जो ये होता है स्टेशनरी होता है वहां से खरीद सकते हो। तो आई हैड टेकन अ फोटो ऑफ दिस मैप, ठीक है, यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और आपके सामने ये सब चीज मैं बताने वाला हूँ करके। क्या है वो चीज, सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे हमने ना इंडेक्स भी बनाया हुआ, तो इंडेक्स के हिसाब से हम चलेंगे। तो लेट सपोज सिक्किम है, तो सबसे पहले हमको क्या दिखाना है, सिक्किम दिखाना है। तो सिक्किम के लिए मैंने इंडेक्स में एक पहले सबसे पहले आपको एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा। तो इंडेक्स में मैंने लिया है लाइंस, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इंडेक्स में मैंने क्या लिया है, लाइंस लिया हुआ है, ठीक है। दिस इज द लाइंस 1 2 3 4 एंड इस प्रकार से आप ले सकते हो, आप जो भी लाइंस है ऐसे से उसके सिक्किम के लिए दिखा सकते हो, ऐसे जिगजैग लाइन आप दिखा सकते हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे सिक्किम ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले सिक्किम अगर आपको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेगा, कहाँ है सिक्किम, ये पूरे इंडिया में आप सिक्किम कहाँ देखोगे, तो आपको ये पता है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिक्किम है। और यहाँ पे आप एक चीज जानते हो कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, ये जो पोर्शन है ये आपका नेपाल है, ठीक है, ये पूरा नेपाल है एंड नेपाल से जस्ट ये सिचुएटेड, ये आपको दिख रहा होगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड द सिक्किम। तो सिक्किम के लिए मुझे क्या करना है, ऐसे लाइन्स खींचने, तो ये बन गया आपका सिक्किम, आप लिख सकते हो दैट इज नंबर 1, इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हो, दिस इज द नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 1 पे क्या रखा है आपने, नंबर 1 पे आपने रखा है सिक्किम, तो ये आपने इंडेक्स बना दिया। तो इस प्रकार आपको प्रॉपर बॉक्स बना के इंडेक्स सबसे पहले बनाना है, और इंडेक्स में सिंबल्स बताओगे तभी तो पता चलेगा ना, क्योंकि वो एग्जामिनर को जो चेक करने वाला है आपको, तो उसको तो यही मैप दिखेगा, और ये मैप ने आपने ये बना दिया है दिस इज कॉल्ड एज द सिक्किम, ये आपने ऐसा दिखाया हुआ है, तो कैसे उसको पता चलेगा कि ये सिक्किम है, आपने तो नंबर 1 लिखा है लेकिन नंबर 1 पे क्या है, सिक्किम है, तो उसको पता चल जाएगा कि आपने सिक्किम को ड्रॉ किया। तो इस प्रकार से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा था वो है रिवर नर्मदा, तो नर्मदा जो नदी है वो कहां से बहती है, तो आपको बता दूं, याद होगा आपको पढ़ाने के टाइम मैंने बताया था, मध्य प्रदेश जो रीजन होता है वहां से नर्मदा नदी जो है वो बहती है, ठीक है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये जो पोर्शन है ये आपका मध्य प्रदेश है, ये पूरा जो पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज द एमपी स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, और लगभग यहां से जो नदी है ना वो बहना शुरू करती है, ठीक है,
इस प्रकार से बहती है। तो मैंने आपको देखा होगा यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करते हो इस प्रकार से, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो रिवर नर्मदा आता है, और ये नंबर 2 पे मैंने रखा है, ठीक है, नंबर 2 पे रखा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन, मैंने थोड़ा जिगजैग कर दिया लेकिन ये स्ट्रेट लाइन करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपका रिवर नर्मदा है जो कि बह रही है यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से बहते बहते कहाँ तक आती है, अरेबियन सी में आके मिल जाती है, नदी में, समुद्र में आके मिल जाती है। तो ये जो है ये नंबर 2 है, बिकॉज दिस इज द नर्मदा नदी, ये आप दिखा सकते हो। थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, एग्जैक्टली तो कोई भी दिखा नहीं पाता है मैप में, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत भी आसपास दिखा दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है कोल्ड डेजर्ट। तो आपको पता है कोल्ड डेजर्ट को हम लोग लद्दाख रीजन बोलते हैं नॉर्मली, आपको पता होगा लद्दाख का जो रीजन है जम्मू कश्मीर के बाजू में जो है, वो लद्दाख रीजन कोल्ड डेजर्ट माना जाता है। तो यहाँ पे ये आप देखोगे ना, ये पार्ट जो है वो कश्मीर होता है, लेकिन यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे कौन सा पार्ट, ये वाला जो हिस्सा होता है लगभग, ठीक है ना, ये वाला कुछ हिस्सा जो होता है लगभग, ये पूरा कोल्ड डेजर्ट है। तो कोल्ड डेजर्ट के लिए मैंने क्या लिया हुआ है, देखो कोल्ड डेजर्ट के लिए एक मतलब ऐसा पूरा डार्क मैंने पूरा ऐसा लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे पूरा डार्क कर दो इसको, ठीक है, एकदम पूरा पूरा एकदम क्या कर लो इसको, एकदम अच्छी तरीके से डार्क ले लो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं कैसे करूंगा, अगर मुझे इसको पूरा ये दिखाना है तो मैं पूरा क्या करूंगा, इसको डार्क कर दूंगा, इस प्रकार से गोज दिया उसको, तो ये पूरा क्या हो गया, पूरा डार्क रीजन हो गया। इस प्रकार से आप पूरा इसको डार्क कर दो, तो ये जो रीजन है ये आपका हो जाएगा कोल्ड रीजन, कोल्ड डेजर्ट रीजन। इस प्रकार से मैं इसको पूरा, आप लोग पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, आपको अगर सही लग रहा है तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कर लो। मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा इसको क्या कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे, जितना हो सके मेरे से मैं इसको क्या करूंगा, डार्क कर दूंगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसको मैं रखूंगा नंबर 3 पे। तो नंबर 3 मेरा क्या है, नंबर 3 मेरा कोल्ड डेजर्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट रीजन। तो ये ग्राफ पे, ये मैप पे मैंने दिखा दिया कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज द पोर्शन कॉल्ड एज द कोल्ड डेजर्ट रीजन। समझ में आ गया, ओके। अब नेक्स्ट अगर आप ध्यान दोगे, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, चौथा क्वेश्चन, वन हॉर्न राइनासोरस। तो आपको बता दू, जो एक सींग वाला राइनासोरस जो होता है, वन हॉर्न वाला, ये हमारे आसाम में पाया जाता है। आसाम आपको पता है एक स्टेट है हमारा, आसाम में पाया जाता है। तो आसाम किधर है, यहाँ पे आपने अगर मैप देखा है तो आपको याद होगा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज आसाम। ये वाला जो है ये आपका, ये आसाम है, ठीक है, ये पूरा आसाम है, ठीक है ना। हमने ज्योग्राफी के पढ़ाने के टाइम बहुत बार आपको जिक्र किया है, लेकिन आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करके लेना है यार, इंडिया का मैप तो प्रैक्टिस करके लेना, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट क्या है, ठीक है। तो चाहिए तो आप एक 2-3 मैप खरीद के ला लो इंडिया का, और उसमें प्रैक्टिस करो कौन सा स्टेट किधर है, लेकिन सिर्फ ये वीडियो देख लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बैंक में भी यही क्वेश्चन दिया था, तो मुझे लगता है अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। तो इसके लिए मैं यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ आपको, तो टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले जो हमारा, हमने वन हॉर्न डायनासोर लिया है, तो उसके लिए मैंने कौन सा सिंबॉल लिया, ऐसा स्टार, ठीक है ना, आप स्टार ले लो इसके इसके जगह पे, तो स्टार आप ले सकते हो। तो स्टार के लिए यहाँ पे, तो समझ लो ये मेरा आसाम है, तो यहाँ पे मैं एक क्या करता हूँ, स्टार बना देता हूँ। तो ये मतलब समझ जाएगा, ये चौथा नंबर यहाँ पे लिख दो, तो आप कोई भी इंसान समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या है, वन हॉर्न राइनासोरस है। तो ये आपने बना दिया, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। तो आपको बता दूं, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट जो होता है साउथ इंडिया में, वो है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड साउथ स्टेट है, ठीक है, तमिलनाडु, ये आप जानते होंगे। अब आप इंडिया में तमिलनाडु कहाँ दिखाओगे, तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु है किधर। आप ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो दिस पोर्शन, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा तमिलनाडु का स्टेट है, ठीक है ना। चेन्नई के फैन हो अगर आईपीएल में, तो आपको पता ही होगा तमिलनाडु किधर, ठीक है ना, तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, लगभग यहाँ पे आसपास कहीं पे आता है, ठीक है ना। तो ये पूरा पोर्शन को आपको क्या करना है, सिंबल आपने क्या लिया है, तो सिंबल आपने लिया है डबल लाइन, मतलब ऐसा हैचिंग लाइन लिया हुआ है, हैचिंग लाइन लिया है कि ना, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया तमिलनाडु है। तो आपने क्या लिया, हैचिंग लाइन लिया है, तो हैचिंग लाइन दिखा दो, हैचिंग लाइन मतलब इस प्रकार से लाइन, 1-2 ऐसा करके जो है इस प्रकार से आप ये कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका, हैचिंग लाइन हो जाएगा, ठीक है। और इस पे कितना नंबर लिखोगे, पांचवा नंबर है ना, तो ये लिख दोगे पांचवा नंबर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ये आपने दिखा दिया। तो नंबर 1 आपने क्या दिखाया था, सबसे पहले नंबर 1 क्या था, सिक्किम दिखा दिया। नंबर 2 मध्य प्रदेश में क्या दिखाया था आपने, नर्मदा रिवर दिखाया था। नंबर 3 क्या दिखाया था, ये कोल्ड डेजर्ट। नंबर 4 यहाँ पे वन हॉर्न राइनासोर। और नंबर 5 आपने दिखा दिया क्या, क्या दिखाया आपने, दिखाया मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन साउथ इंडिया, दैट इज तमिलनाडु। और एक आखिरी क्वेश्चन भी है, जो कि है मुंबई मेजर पोर्ट। आपको पता है मुंबई में एक मेजर पोर्ट है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बांध बोलते हैं ना, बंदरगाह, बांध, जहां से बड़े बड़े शिप्स चलते हैं, तो समुद्र में है वो। तो दिखा दो समुद्र में, दिस इज मुंबई ना, यही मुंबई आता है ना अपना, आमची मुंबई इकड़े आए ना, ठीक है, मी पण मुंबई मध्ये राहतो, तो इकड़े आमचा मुंबई आहे, आमची मुंबई। और इसके लिए सिंबॉल मैंने क्या यूज किया है, देखो सिंबॉल मैंने लिया है ये वाला, एंकर का सिंबॉल है, मतलब जो बोट के नीचे जो एंकर्स होते हैं ना, उसका सिंबॉल है। तो यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, ये मैंने लिया हुआ है। तो एंकर के लिए यहाँ पे आप दिखा दो इस प्रकार से, ठीक है, ये एंकर आपका, तो ये आपका क्या बन गया, मुंबई हाई बन गया 6 नंबर पे, बस खत्म, टोटल खत्म। देखो ये एंकर था, ये मैंने बना दिया, अब आपको यहाँ से चीजें जो है वो दिख जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये चीज आपको समझ में आ गया। तो यही था छोटा सा मैप, और कुछ नहीं है यार, मतलब बहुत सिंपल था।
अगर आप देखोगे तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कोई भी चीज पूछ सकता है, ये दिखाओ, वो स्टेट दिखाओ, ये स्टेट दिखाओ। तो आपको बस एक बार मैप का प्रैक्टिस करके लेना है, एंड मेरे से जितना हो सका, मतलब इतना प्रोफेशनल तो नहीं है क्योंकि पहली बार मैप्स वगैरह में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेफिनेटली तो थोड़ा सा 19-20 फर्क हो गया होगा, लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, मैंने इसको करवा दिया, बस आप लोग इसको अच्छे से देख लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बता देना, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, और हमारे दोस्तों के साथ जितना भी आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव है यार, मतलब जो लोग अभी 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा और उनको समझ में आएगा कि मैप कैसे करते हैं, इंडेक्स कैसे बनाते हैं, ये उनको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो फटाफट से फॉलो कर लेना, हमसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।